वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। तो आर्यन खान ड्रग्स केस के बाद से ही चर्चा में है एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक, जिन पर अब एक बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल ईडी की टीम ने सुबह नवाब मलिक के घर पर छापेमारी की और बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से ही ईडी की टीम उनके घर पहुंचकर 8 बजे से उनसे पूछताछ कर रही है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि हवाला मामले में ईडी द्वारा जुटाए गए जो सबूत है उसमें मलिक का नाम सबसे पहले आया था। अगर आपको याद हो कि नवम्बर 2021 में ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को लेकर बड़े खुलासे किए थे। फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक ने मुंबई में दाऊद के करीबियों से जमीनें खरीदी हैं, इसमें से एक मुंबई बम धमाकों में भी व्यक्ति शामिल था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बम धमाकों में उम्र कैद की सजा काट रहे शाह वली खान और हसीना पारकर, जो कि दाऊद की बहन है, उनके करीबी सलीम पाटेल के साथ नवाब मलिक के व्यवसायिक संबंध है। फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक और उनके रिश्तेदारों की कुल 5 ऐसी प्रॉपर्टी है पकड़ी गई है, जिसमें 4 का संबंध डी कंपनी यानी अंडरवर्ल्ड से है। इसके तार इस बात से भी खोले गए क्योंकि प्रवर्तन निर्देशालय ने शुक्रवार को ही माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को महाराष्ट्र के ठाणे जेल से गिरफ्तार किया था। ईडी ने दाऊद और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया और इकबाल कास्कर, जो कि दाऊद का भाई है, उसे इसी मामले पर पूछताछ अभी भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इकबाल कास्कर ने नवाब मलिक का नाम भी लिया था, जिसके बाद ईडी की टीम उनसे भी पूछताछ कर रही है। इससे पहले ईडी ने विशेष कोर्ट में कहा था कि इकबाल कास्कर अपने भाई दाऊद इब्राहिम के वैश्विक आतंकवादी की छवि का इस्तेमाल कर सेलिब्रिटीज और बिल्डरों से फिरौती वसूलता था। और अब इसी केस में ईडी इस कार्रवाई के होने के बाद अब आपको बता दें कि संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को चेतावनी दी है और संजय राउत ने कहा कि नवाब मलिक एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं। ईडी जिस तरह से उनके एक घर से उन्हें ले गई वो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारे राज्य में आकर एक मंत्री को केंद्रीय एजेंसियां ले जाती हैं तो 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी और इस बात का आप ध्यान रखें। यानी आप देखिए कि संजय राउत ने खुलेआम यहां पर सरकार को धमकी दी है, लेकिन सवाल यह बनता है कि अगर किसी तरह की पूछताछ कोई एजेंसी करती है उसका सरकार से लेना देना नहीं, बल्कि उस एजेंसी का यह अपना पर्सनल वो होता है कि किसका कब नाम सामने आया, किस मामले में नाम सामने आया, उसके हिसाब से पूछताछ की जाती है। लेकिन यहां पर संजय राउत को मिर्ची लगी और उन्होंने इस तरह का बयान सामने आया उनका। तो आपका इस खबर में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की जानकारी और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।